भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा के दौरान पड़ता है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह, फिर दोपहर में एक युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये मंदिर झील के ठीक बीचों बीच मौजूद है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षक देवी हैं। उत्तराखंड में आई आपदा जो केदारनाथ की आपदा थी, वो आपको जरूर याद होगी। उस आपदा के दौरान उस एक मंदिर का जिक्र हुआ था, धारी देवी मंदिर, जिनके स्थान से उन्हें हटाया गया। और पूरे उत्तराखंड में ये मान्यता है कि ये जो देवी हैं ये रक्षक देवी हैं, और इन जो उत्तराखंड की देवी रक्षक देवी धारी देवी के मंदिर को स्थानांतरित करने के ठीक बाद केदारनाथ की आपदा हुई। आज हम आपको इस मंदिर में चलते हैं। माना जाता है कि ये लोगों की श्रद्धा आस्था और चमत्कार का भी केंद्र है। अब बताइए पुराने मंदिर जो धारी देवी के जो पुराना मंदिर था जो वो एक बहुत बड़ी चट्टान थी अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे जी। अलकनंदा नदी जो थी उस चट्टान के नीचे से गुजरती थी और ठीक उसके ऊपर माता का मंदिर था। और जब यहाँ पे डैम की स्थापना हुई उसके बाद डैम की झील बनने के कारण माता को अपलिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ये जगह जो थी डूब क्षेत्र में आ गई थी। तो हम जैसे मेरे जैसे तो मानना ये है कि माता को शिफ्ट करने के ही चक्कर में आपदा आई। ये चारों धाम के रक्षक हैं और हमारी तो माँ आराध्य हैं। आप यहीं धारी गांव के हैं? हम धारी गांव के हैं। अच्छा। और बचपन से ही माता को देखते आ रहे हैं कि पहले स्वरूप कैसा था, तब का स्वरूप कैसा बना, फिर आप कैसे स्वरूप में आए हैं। स्वरूप कैसा था? चट्टान, पहले चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान थी। चट्टान के नीचे से अलकनंदा नदी बहती थी, उसके ऊपर मंदिर था। अच्छा। और अलकनंदा माता के नीचे नीचे बहकर जाती थी। अच्छा, दूर दूर से आते हैं लोग? बहुत दूर दूर से, या दूर दूर से क्या, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सीजन में तो इतना रश हो जाता है कि यहाँ जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है, व्यवस्थाएं बनानी मुश्किल हो जाती है। माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रों की रक्षक देवी माना जाता है। जब भी इनके स्थान को लेकर छेड़छाड़ की गई तब उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई है, जैसे कि 2013 में केदारनाथ में आई आपदा आपको याद होगी। प्रसाद कहाँ दे रहा? मेरे हाथ में। इसी में बोले? हाँ, इसी। पंडित जी, मंदिर के बारे में बताइए कि कहा जाता है कि बड़ा प्राचीन इतिहास, क्या इसे स्थानांतरित भी किया गया था इससे पहले कभी? बताइए जरा मंदिर के बारे में। ऐसा, ये सबसे पहले तो ये धारी देवी इनको क्यों कहा जाता है? ये धारी गांव आप सामने देख रहे हैं, ये धारी गांव है, और धारी गांव के कारण होने के कारण इनका नाम जो है धारी देवी प्रसिद्ध हुई है। वैसे दक्षिण काली है, ये माँ कल्याणेश्वरी हैं, चारों धामों के रक्षा करने वाली हैं, और ये भी
कहा गया है कि ये धारी गांव द्वापर से बसा हुआ है, पांडव लोग यहीं से आए थे स्वर्ग आरोहण के लिए और माँ की पूजा अर्चना करे ये प्रमाण मिलता है। और उसके बाद सेवन सेंचुरी में जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ से गए, पैदल मार्ग हुआ करता था, वो भी माँ पूजा अर्चना करके ये हैं। कहा यह मूर्ति बड़ी स्वयंभू है और किसने बनाया इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर हमारे पास 500-600 साल से ये प्रमाण है कि जो है हम लोग यहाँ पुजारी हैं। कहते हैं कि जब केदारनाथ में जब आपदा आई उससे पहले मंदिर को शिफ्ट किया गया। देखो ये मंदिर जो है बहुत नीचे था, जितना आप लोग इधर रोड से नीचे आए हैं उतने और नीचे जाना पड़ता था, 1.5 किलोमीटर नीचे। अलकनंदा के तट पर एक चट्टान थी, चट्टान के ऊपर माँ विराजमान थी खुले में। और हमारा तो कहना यह है कि भाई देवी क्या है, प्रकृति है, प्रकृति पुरुषार्थ मतलब इसमें एक श्लोक दुर्गा सप्तशती में आ रखा है, देवी प्रकृति है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी क्योंकि देव भूमि है, देवताओं की भूमि है, अगर छेड़छाड़ होगी तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर छेड़छाड़ हुई और केदारनाथ की आपदा जी हाँ, उसके रात 8:30 बजे यहाँ तो पानी मेरे ख्याल पानी 2 बजे करीब पहुँचा, इतना भयंकर पानी, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है ये जैसे हिल रहा था जैसे ट्रेन जैसे हिलता है इस प्रकार से, लेकिन हम माँ को छोड़ के नहीं गए। हम देश के मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत पर वीडियो बनाते हैं, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट कर बताइए कि कैसा लगा। मंदिर ऐसा छोटा था ना, बहुत बड़ा था मंदिर, वो भी चट्टान में था, चट्टान में, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं।